हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय एवी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आज हम बनाएंगे बर्गर बन। ऑलरेडी मेरे चैनल पे स्वीट बन की रेसिपी अवेलेबल है एंड लादी पाव की भी रेसिपी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही अपलोड की थी। सो फ्रेंड्स, ये बर्गर बन हम ना ही ओवन में बनाएंगे और ना ही इसके लिए हमें ईस्ट का इस्तेमाल करना है। हम इसे इडली मेकर में बनाएंगे। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो चलिए इसे कैसे बनाना है इसका तरीका देख लेते हैं। मैंने पहले छलनी में 2 कप मैदा ऐड कर दिया है। मैदा ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट हमें इसमें ऐड कर देना है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद यहाँ हमें 3 टेबलस्पून कर्ड ऐड करना है। दही जो है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना ऑयल या फिर 2 टीस्पून ऑयल, इस समय आप ऐड करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे 2 टीस्पून जितना ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो रूम टेम्परेचर वाला मिल्क है उसे इसमें ऐड करते हुए हमें यहाँ पे एकदम से सॉफ्ट डो गूंदना है। मिल्क जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। डो इनिशियल लेवल पे एकदम से स्टिकी होगा, जैसे ईस्ट वाला डो हम गूंदते हैं उस तरीके का। अब यहाँ मैं एक फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लूँगी और अब हम इस डो को नेड कर लेंगे। यहाँ पे डो को ज़्यादा प्रेशर देके हमें नेड नहीं करना है। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरीके से ये आटे को हमें गूंद लेना है। आफ्टर 5 to 7 मिनट्स के बाद आप देख पाओगे कि जो डो है वो एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। इसका स्टिकीनेस जो है वो एकदम से चला जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो अगर डो ज़्यादा स्टिकी हो तो ऑयल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे परफेक्ट डो बनके तैयार है। अब मैं इससे रोल बना लूँगी। जितने बड़े साइज़ के आपको बन बनाने हैं उस तरीके के आप यहाँ पे लोइया बना सकते हो। मैं एक लोई को फ्लैट कर लूँगी और फिर इसे टक कर लेंगे ताकि जो बर्गर बन बने उसमें ज़्यादा क्रैक नहीं आए। जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया उस तरीके से हमें डो को टक कर लेना है। सभी लोइयों को सेम प्रोसेस से एकदम स्मूथ कर लेना है और टक कर लेना है। मीनवाइल हमें यहाँ पे इडली स्टैंड आता है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और एक एक जो लोइया हमने बनाई है उसे इसमें रख देना है। ऊपर से मैंने इस पे तिल अप्लाई कर लिया है, वाइट सीसम सीड को। अब हम यहाँ पे मिल्क वॉश कर लेंगे बन के ऊपर। मीनवाइल हमने यहाँ पे इडली मेकर में सॉल्ट ऐड कर दिया है। ये सॉल्ट मैंने बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया है, इसके लिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप सॉल्ट नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। जो इडली मेकर में जाली आती है उसे मैंने इसमें रख दिया है और ऊपर से हम स्टैंड रख देंगे। एक ही स्टैंड हम वन टाइम में रख सकते हैं। अब हम इडली मेकर को बंद कर लेंगे और इसे हमें 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक होने देना है। आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पे बर्गर बन बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर बटर अप्लाई कर लेंगे और इसे ढक के हमें 15 मिनट के लिए रखना है ताकि जो बर्गर बन है वो एकदम से सॉफ्ट बने। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बेकिंग का टाइमिंग है वो आपके गैस के फ्लेम के ऊपर भी निर्भर करता है। यहाँ पे मुझे बर्गर बन बनाने के लिए 30 मिनट्स एग्जैक्ट टाइम लगा था, आपको कम या ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बर्गर बन बन के तैयार है। मैं एक बर्गर बन कट करके आपको दिखा दूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेक्स्चर भी बहुत ही
क्रम्बल्स जैसा आया है, परफेक्ट बर्गर बन बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इडली मेकर में एकदम आसानी से विदाउट ईस्ट विदाउट ओवन के बर्गर बन को बनाया है। आप चाहे तो जैसे मैंने पहले बताया कढ़ाई में भी इसे बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।